हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10G। इसमें क्या है, हम लोग ना ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। अ ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश एंड वर्टिसेस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रायंगल में साइड्स कौन कौन सी होती है। तो सपोज ये ट्रायंगल है, ये साइड ए, ये एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहां पर ए बी सी ये क्या है, वर्टिसेस, ठीक है। एक काम करो, इनको बोलते हैं वर्टेक्स, सिंगुलर फॉर्म होता है वर्टेक्स, और एक से ज्यादा है तो क्या होता है वर्टिसेस, ठीक है। अब समझ में आ गया दोनों में फर्क, वर्टेक्स क्या होता है सिंगुलर, वर्टिसेस क्या होता है प्लूरल फॉर्म उसका। तो यहां पर 3 तो वर्टिसेस है, ठीक है, और कितनी साइड है, 3 साइड है। कौन कौन सी साइड, ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं हम इसके बी पार्ट पर। बी में क्या है, ये कह रहे हैं द साइड एंड द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल टुगेदर आर कॉल्ड, ये जो साइड्स हैं और इसके अंदर ये जो पॉइंट्स हैं, है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर रीजन। क्या बोला जाता है इनको, ट्रायंगुलर रीजन। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूं यहां पे पॉइंट पी ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है, तो ट्रायंगुलर पी कहां लाई करेगा, ट्रायंगुलर रीजन में लाई करेगा, ठीक है। ये पॉइंट है क्यू, क्यू ट्रायंगल के अंदर है, तो क्यू भी ट्रायंगुलर रीजन के अंदर ही लाया करेगा। पॉइंट है आर, आर कहां है, ट्रायंगल के बाहर है, तो ये ट्रायंगुलर रीजन में नहीं लाया करेगा, ठीक है, क्लियर। तो जो चीज ट्रायंगल के ऊपर और ट्रायंगल के अंदर होती है उसको बोला जाता है ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है, क्लियर। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पॉइंट्स जो इंटीरियर और एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं इस ट्रायंगल के, ठीक है। यहां पे एक ट्रायंगल है, तो चलो इसमें हम पॉइंट्स बना लेते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। फिर एन बाहर है, एम इसके ऊपर है, ठीक है, पी यहां, क्यू यहां पर है, आर भी यहां पर है, एल भी यहां पर है, ठीक है, एस और डब्ल्यू, ये एस है, ये डब्ल्यू है, ठीक है, ये पॉइंट है के, ये पॉइंट है ओ। अब ये बताओ इसके इंटीरियर में कौन कौन से पॉइंट है, इंटीरियर मतलब अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर में पॉइंट है पी, क्यू और आर, ठीक है, सही। और एक्सटीरियर में कौन से हैं, एक्सटीरियर में हो गया पॉइंट एन ओ एस डब्ल्यू, एन ओ एस डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर कोई पूछे कि ऑन द ट्रायंगल कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो ट्रायंगल के ऊपर है, वो कौन से, एम एल और के, ठीक है, आ गया फर्क समझ में, आ गया अच्छे से। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो ये तुम्हारे पास एक फिगर एक ऐसी गिवन है, ये कह रहे हैं इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो देखो दिस इज पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, ठीक। अगर हम इसमें ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक ट्रायंगल हो गया ए ओ बी, ठीक है, ये जो सिंबल है ये शो करता है कि ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा ट्रायंगल बी ओ सी, एक और ट्रायंगल बताओ सी ओ डी, फिर बताओ डीओई, ईओ एफ, अब बचा एक और एफ ओ ए, 1 2 3 4 5 6। तो इस पूरे फिगर में 6 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कह रहे हैं कि यहां पर देखो एक ऐसा फिगर गिवन है, ठीक है, ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, बीसी के सामने वाला वर्टेक्स बताओ, बीसी बेस है, इसके सामने कौन सा वर्टिकल एंगल है, तो बीसी के सामने वर्टिकल एंगल है एंगल ए, ठीक है, क्लियर है। अब है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछ रहा है इसमें कितने ट्रायंगल है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ट्रायंगल है ए डी बी, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल देखो ए सी बी, ठीक है। फिर देखो इससे कोई और ट्रायंगल नजर आ रहा है तुम्हें, ए डी ओ भी नजर आ रहा है, ए डी ओ, ठीक है। और देखो ए सी पहले हम करते ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, क्लियर। और देखो कौन से ट्रायंगल नजर आ रहे हैं फिर तुम्हें यहां पर, अब आ जाओ ए ओ डी, ए डी ओ तो हो गया, ए ओ बी भी हो गया। अब ऐसे आ जाओ ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। फिर देखो ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6, और कौन कौन से बचे, ये हो गया सी डी बी रह गया, ट्रायंगल सी डी बी, और एक कौन सा रह गया है ट्रायंगल सी डी ए, ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो देखो कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 ट्रायंगल्स हो गए, ठीक। अब ये पूछ रहे हैं वो ट्रायंगल बताओ जिसके अंदर वर्टेक्स ओ है, तो देखो ओ वर्टेक्स वाले कौन से, जिनमें ओ आ रहा है वो रख लो, एक इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल ए डी ओ इसमें वर्टेक्स है, ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, इन चारों में वर्टेक्स ओ है मौजूद, ठीक है कि नहीं, ए डी ओ में वर्टेक्स ओ है, पॉइंट ये वाला ओ, ठीक है, क्लियर। चल अब हम चलते हैं, अच्छा इसमें इतनी क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।